नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नागराज हूँ। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर के इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो अत्यंत रुचिकर विषय है, भारतीय मंदिरों की या भारतीय देवालयों की स्थापत्य कला। और यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि अनेक भारतीय ऐसे हैं जो मंदिर में प्रविष्ट होते हैं, ईश्वर के समक्ष आंखें मूंद कर ध्यान करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और वापस बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह हम पाते हैं कि कई भारतीयों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि ये देवालय किस शैली में बना है और किस स्टाइल को, किस शैली को इसका निर्माण करते समय अपनाया गया है। चलिए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम प्राचीन काल से बात को शुरू करेंगे कि प्राचीन काल में हम पाते हैं कि मंदिर नहीं थे। आप चाहे सिंधु सभ्यता को देखो, वैदिक सभ्यता को देखो, मंदिरों का निर्माण हम कहीं से कहीं तक नहीं पाते हैं। वैदिक काल में भी यज्ञ करके ईश्वर को याद किया जाता था। सर्वप्रथम हम जो मंदिरों का निर्माण पाते हैं वो गुप्त काल में पाते हैं, जब भारत 5वीं शताब्दी में प्रवेश कर गया था। गुप्त काल ही वो पहला काल था जब देवालयों का निर्माण किया गया, और इससे पहले जो मंदिर बनाए जाते थे उनकी छत सपाट होती थी। तो गुप्त काल में पहली बार शिखर बनाए गए और मंदिरों के निर्माण के दौरान गर्भगृह था, परिक्रमा पथ था, गर्भगृह में देवता की मूर्ति स्थापित की गई थी और शिखर का निर्माण किया गया था। तो गुप्त काल के दौरान जो जो प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, खोह का मंदिर और अन्य मंदिर। तो इस तरह हम देखते हैं कि मंदिरों की निर्माण परंपरा आरंभ हो गई। और आगे चलकर हम देखते हैं कि ये परंपरा जारी रही सन 1200 ईस्वी तक, जब तक कि राजपूत काल रहा। मंदिरों की इस स्थापत्य कला को, इस निर्माण शैली को, स्टाइल को मोटे तौर पर हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम है नागर शैली, जिसमें भारत में भी विशेषकर उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किया गया है। इस शैली में हम देखते हैं कि ऊपर शिखर है, शिखर में भी कलश का निर्माण किया गया है और उल्टा कमल दल है, कमल या लोटस उल्टा है और उस पर उस कलश को स्थापित किया गया है। तो नागर शैली के मंदिरों में हमको यही स्टाइल दृष्टिगोचर होती है। और पूरा जो प्रासाद है या मंदिर है वो हम पाते हैं वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है। तो ये नागर शैली है। और नागर शैली के तहत जो प्रसिद्ध मंदिर बने हैं वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, माउंट आबू का देलवाड़ा मंदिर। इस तरह ये वो विख्यात मंदिर है जिनको नागर शैली के तहत बनाया गया है। अब हम दूसरी शैली पर आते हैं, द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के तहत निर्मित किए गए हैं। इस स्टाइल की विशेषता ये है कि जो प्रासाद है या नीचे का भवन है वो आयताकार है। आयताकार में क्या होता है, लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है। तो आयताकार शैली में बनाए गए हैं। और इनके जो शिखर है वो पिरामिड शैली में है, पिरामिड नुमा है, बहुत सारे पिरामिड हमको मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत मदुरे का मीनाक्षी मंदिर है, कांची का कैलाश मंदिर है, मामल्लपुरम के रथ मंदिर है, ये सब इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद तीसरी श्रेणी आती है आपकी बेसर शैली। बेसर शैली में एक्चुअली क्या हुआ है कि जो द्रविड़ शैली है और चालुक्य स्टाइल है, इन दोनों का इस दोनों शैली का समावेश हो गया है। बेसर शैली में हम पाते हैं कि जो नीचे का प्रासाद है या भवन है वो गोलाकार है, और इसके तहत जो मंदिर बनाए गए हैं वो है एलोरा का कैलाश मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये दोनों मंदिर जो है बेसर शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन काल में देवालयों की या मंदिरों के निर्माण में 3 शैलियों को अपनाया गया था। तो इस तरह भारत में स्थापत्य कला की ये यात्रा अंग्रेजों के काल तक जारी रही और आज भी जारी है। आशा है कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी।
धन्यवाद।